नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की बात करेंगे जिसे महाभारत काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जाता है। और आज हम इस योद्धा के बारे में जानेंगे कि इस योद्धा ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और क्या उनके परिणाम रहे। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत महाकाव्य के सबसे महानतम और भीषणतम योद्धा की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पितामह भीष्म की। एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही उस काल के बड़े बड़े योद्धा सहम जाया करते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। एक ऐसा योद्धा जिसने भगवान परशुराम की युद्ध चुनौती को स्वीकार किया, जो उस काल में किसी के भी बस की बात नहीं थी, और स्वयं अपराजित रहे। पितामह भीष्म का भगवान परशुराम के साथ युद्ध 21 दिनों तक चला और वे अपराजित रहे। एक ऐसा योद्धा जिसके वचन का मूल्य उसके जीवन से कहीं ज्यादा था। एक पितृभक्त, राष्ट्रभक्त, निष्पाप, निष्कलंक, मर्यादाओं से बंधा परंतु स्वतंत्र विचारों वाला योद्धा। शत्रुओं की अपेक्षा अपनी शत्रुता को समाप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहे, परंतु जब जब युद्ध क्षेत्र में उतरना पड़ा तो अच्छे अच्छे योद्धाओं को उन्होंने अपने बाहुबल से पराजित किया। पराक्रम इतना कि अर्जुन भी उनके सामने टिक न सके। आड़े इतने कि जिन्होंने सदैव मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण को भी महाभारत युद्ध में क्रोधित कर दिया और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए बाध्य कर दिया। न्यायप्रिय, उदार और दानवीर इतने कि अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं ही बता दिया और धर्म के मार्ग से स्वयं को हटाकर धर्म की विजय सुनिश्चित कर दी। आज हम इस महान योद्धा के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में बात करेंगे। इन्होंने कब कब और किस किस के साथ युद्ध किया। सर्वप्रथम गंगा पुत्र देवव्रत का सामना महाराज शांतनु से हुआ। एक बालक गंगा किनारे धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और उसे अभ्यास करते करते उसने गंगा के पानी में इतने बाण मारे कि गंगा का जल प्रवाह रुक गया। यह देखकर महाराज शांतनु को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने इस बालक को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु सही समय पर गंगा ने वहां आकर पिता और पुत्र को एक दूसरे का परिचय दिया और अपने पुत्र देवव्रत को उन्होंने शांतनु को सौंप दिया और कहा कि इसके जैसा योद्धा अब पूरे भारतवर्ष में नहीं है। इसके कुछ समय बाद एक घोड़े बेचने वाले ने महाराज शांतनु को एक घोड़ा देखने के लिए कहा, जिसे काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु गंगा पुत्र देवव्रत ने उसे वश में किया और उसकी सवारी का आनंद लेने के लिए हस्तिनापुर से कुछ दूर बाहर जंगलों में निकल आए। जब उन्होंने देखा कि वहां पर शाल्व कुमार हस्तिनापुर आक्रमण करने की सोच रहे हैं और अपनी सेना को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले आ रहे हैं, तब गंगा पुत्र देवव्रत ने शाल्व कुमार से वापस लौट जाने का आग्रह किया और उनको इसके परिणाम के बारे में भी बताने की कोशिश की। लेकिन शाल्व कुमार को नहीं पता था कि वह उस काल के सबसे महान योद्धा के सामने खड़ा है। उसने युद्ध की चुनौती स्वीकार की और युद्ध में देवव्रत भीष्म ने शाल्व कुमार को पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर लाने के उपरांत जब उसके पिता महाराज शांतनु ने उसे दंड देने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से हमेशा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। युद्ध शत्रु के अंत पर समाप्त नहीं होता, युद्ध शत्रुता के अंत पर समाप्त होता है। इस पर पिता महाराज शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र की न्यायप्रियता को देखते हुए उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। इसके उपरांत अपने पिता महाराज शांतनु के लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया और सिंहासन को ही अपने पिता का रूप समझकर उसकी सेवा करने का प्रण भी लिया और अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें भीष्म कहा गया। इसके बाद उन्होंने सत्यवती से जनित उनके दोनों भाइयों का पालन पोषण किया और उन्हें राजगद्दी तक लेकर गए। उसके बाद राज सिंहासन संभालने वाले उनके छोटे भाई चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बिठाया और उनके विवाह के लिए वो काशी नरेश के यहाँ पहुंच गए, जहां पर स्वयंवर चल रहा था और काशी नरेश ने हस्तिनापुर में कोई निमंत्रण नहीं भेजा था। पितामह भीष्म को वहां देखकर वहां की योद्धाओं ने उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। इस पर क्रोधित होकर पितामह भीष्म ने तीनों कन्याओं को उनके साथ चलने के लिए कहा और बाकी योद्धाओं को चुनौती दी कि जो मुझे रोकना चाहता है वो युद्ध के मैदान में आ जाए। बहुत सारे योद्धाओं को वहां पर पराजित किया। एक बार फिर से
शाल्व नरेश उनके सामने आए, जो अम्बा से विवाह करना चाहते थे और अम्बा भी उनके साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु पितामह भीष्म को यह बात नहीं पता थी। जब युद्ध में पराजित होकर शाल्व नरेश वहां से अपने राज्य लौट गए और पितामह भीष्म हस्तिनापुर आ गए, तब वहां पर अम्बा ने उन्हें बताया कि वो शाल्व नरेश से विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। इस पर पितामह भीष्म ने उन्हें ससम्मान राजकीय सम्मान के साथ वापस शाल्व नरेश के पास भिजवा दिया। उसके बाद शाल्व नरेश ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया, तब वह फिर से पितामह भीष्म के पास लौट आई और उनसे विवाह करने का निवेदन किया, परंतु इस योद्धा ने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया हुआ था। तो पितामह भीष्म ने विवाह के इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के बाद अम्बा गुरु परशुराम के पास पहुंची और उनसे अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। इस पर भगवान परशुराम ने भीष्म को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा, उनके युद्ध की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। इस पर पितामह भीष्म ने गुरु की आज्ञा लेकर उनसे युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और ये युद्ध 21 दिनों तक चलता रहा। युद्ध के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में भगवान परशुराम ने कहा कि या तो मेरा वध कर दो या फिर यहाँ से लौट जाओ। इस पर यह युद्ध अनिर्णित ही रहा और दोनों योद्धा अपनी अपनी जगह लौट गए। इस युद्ध के बाद पितामह भीष्म की ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हस्तिनापुर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। इसके उपरांत पितामह भीष्म ने गांधार नरेश शकुनी के पिता से उनकी पुत्री गांधारी का हाथ अपने पौत्र धृतराष्ट्र के लिए मांगा। इस पर शकुनी काफी नाराज हुए, लेकिन पितामह भीष्म से युद्ध की चुनौती स्वीकार करना उनके बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया और कालांतर में यही शकुनी महाभारत का एक प्रमुख कारण भी बने। इसके उपरांत पितामह भीष्म ने कौरवों और पांडवों के समय भी कई बार दुर्योधन को समझाने के प्रयास किए और उसे अपने भाइयों से बैर न रखने की सलाह भी दी, क्योंकि पितामह भीष्म की निष्ठा उस राजगद्दी पर बैठने वाले सिंहासनधारी से थी। इसलिए उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र से कड़े निर्णय लेने के लिए आग्रह किया और धृतराष्ट्र ने कड़े निर्णय इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर उस निर्णय को दुर्योधन मानने से इनकार करता तो पितामह भीष्म दुर्योधन का वध भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी निष्ठा सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र से थी, न कि उसके पुत्र से, और इसीलिए आजीवन अपने पुत्र मोह में बंधे हुए धृतराष्ट्र ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे उसका पुत्र नाराज हो जाए और पितामह भीष्म उसे सजा दे दें। और अपनी इसी सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भी द्रौपदी वस्त्रहरण के समय पितामह मौन रहे। उसके बाद पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के बाद जब उन्होंने विराट नगर पर युद्ध किया तो वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, जिस सेना में द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथी थे। उस सेना को अर्जुन ने युद्ध में अकेले ही परास्त कर दिया था, परंतु अर्जुन ने स्वयं अपने मुख से ये बात कही थी कि दिव्यास्त्रों के सम्मान हेतु पितामह ने बेहोशी का कवच ओढ़ लिया है, अन्यथा मेरे अस्त्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन्हें बेसुध कर सकूं। उसके उपरांत पूरे विश्व का सबसे भयंकर युद्ध आता है और इस युद्ध का आरंभ होता है कुरुक्षेत्र की भूमि में। पितामह भीष्म द्वारा कुरुक्षेत्र की भूमि में लड़ा गया यह दूसरा युद्ध था, क्योंकि पहला युद्ध वो अपने गुरु परशुराम से इसी भूमि पर लड़ चुके थे। युद्ध के शंख बजते ही पितामह भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। पहले दिन उनका सामना उनके परपौत्र अभिमन्यु से हुआ। अभिमन्यु ने पितामह के रथ का ध्वज काट दिया था, जिससे पितामह बड़े प्रभावित हुए। इस पर पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यशस्वी होने का वरदान अभिमन्यु को दिया। लेकिन आज के युद्ध में पांडवों को यह तसल्ली हो गई थी कि पितामह भीष्म अजय हैं और उनको जीतना लगभग असंभव है। यही हाल पांडवों का दूसरे दिन भी रहा, लेकिन तीसरा दिन पांडवों की तरफ से थोड़ा सा अच्छा रहा। इस दौरान अर्जुन ने पितामह भीष्म का सामना किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन तीसरे दिन एक घटना थोड़ी अलग थी। तीसरे दिन युद्ध में भीम ने दुर्योधन को कई बाणों द्वारा घायल कर दिया, जिससे उसे युद्ध भूमि से शिविर लौटना पड़ा। और आज का दिन पांडवों के लिए खुशी का दिन था और इस पर दुर्योधन काफी नाराज था। उन्होंने कहा कि आप अपने पूरे मन से
अपनी लगन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए पांडव आज हम पर भारी रहे। इसी तरह पितामह भीष्म ने अगले 9 दिनों तक अनेक पांडव योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया और उन्हें युद्ध भूमि से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध के 9वें दिन ही अर्जुन और श्री कृष्ण को भी पितामह भीष्म ने घायल कर दिया और इस पर श्री कृष्ण इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि उन्होंने एक रथ का पहिया उठाकर उसे ही चक्र बना लिया और कहा कि मैं तुम्हें इतना ज्यादा अन्याय नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हारे आज ही प्राण हर लेता हूँ। इस पर पितामह भीष्म मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके उपरांत अर्जुन ने केशव को समझाया और उनसे पितामह भीष्म को वध न करने की बात कही। इस पर श्री कृष्ण वापस लौट गए। इसके उपरांत पांडव और श्री कृष्ण के बीच एक मंत्रणा हुई और फैसला लिया गया कि पितामह भीष्म से उनकी मृत्यु का कारण पूछा जाए। इस पर पितामह भीष्म ने उनसे कहा कि मैं किसी भी योद्धा के सामने तो हथियार नहीं रख सकता, परंतु हाँ, नारी या अर्धनारी मेरे कोई सामने आएगी तो मैं उस पर प्रहार नहीं करूंगा। और यह इशारा पांडवों के लिए काफी था। और फिर युद्ध के 10वें दिन पितामह भीष्म के सामने अर्जुन के रथ पर शिखंडी आए और शिखंडी ने पितामह भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा और पितामह भीष्म ने शिखंडी की ओर बाण न चलाकर अपना धनुष नीचे कर लिया। शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने अपने तीखे बाण द्वारा पितामह भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया और इस प्रकार महाभारत काल का सबसे महानतम योद्धा, जिसने इस युद्ध में 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व किया, आज भूमि पर गिर पड़ा। युधिष्ठिर का राजतिलक होने के बाद और हस्तिनापुर को चारों ओर से सुरक्षित जान पितामह भीष्म ने 58 दिनों के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा समाप्त होने पर इस लोक से प्रस्थान किया और इस प्रकार द्वापर युग का सबसे महानतम योद्धा इस दुनिया से चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।